यहाँ पास देख सकते हैं केंद्र सरकार का एक स्लोगन बन के रह गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताते चले, कांग्रेस के पूर्व सांसद रंजीता रंजन को राज्यसभा भेजने का फैसला छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने किया। आज दरभंगा वो पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के डॉक्टर मुन्ना खान ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर मुन्ना खान ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मिथिला पुत्र की धर्मपत्नी एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद सह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह रिटर्निंग ऑफिसर एंड जम्मू एंड कश्मीर जो रंजिता रंजन है, और उनको कांग्रेस ने जो राज्यसभा भेजने का जो सबसे बड़ा उदाहरण दिया महिला सशक्तिकरण का, उसका जन अधिकार पार्टी खुले दिल से स्वागत करती है। क्या फील करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और रंजित रंजन कांग्रेस के साथ सदा निष्ठा मंदिर के साथ वो खड़ी रही हैं, और एक ऐसी मजबूत महिला जो महिलाओं की आवाज़ के लिए हमेशा तत्पर रही, और सांसद के अंदर में जबरदस्त तरीके से आवाज़ उठाती रही। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार का एक स्लोगन बन के रह गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस यही रह गया है। ये कि धरातल पर नजर नहीं आता, लेकिन कांग्रेस काला कमान का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रंजित रंजन जैसी मजबूत महिला को सांसद के रूप में राज्यसभा भेजा। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिलाध्यक्ष जनकर पार्टी लखनऊ दरभंगा। और इस खबर को सुनते ही डॉक्टर मुन्ना खान जो जिलाध्यक्ष जनगर पार्टी के, उन्होंने अपने आवास पे तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया और बुला करके सभी का मुंह मीठा किया। ट्रस्ट को पाया कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी, गांधी नेहरू सुभाष बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, और मैडम सोनिया गांधी राहुल गांधी जी का जो देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति जो संघर्ष, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने में जो भूमिका है, और उसमें लगातार कंप्लीट ट्रांसपेरेंट और कांग्रेस विचारधारा और भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ वो खड़ी है, और लगातार सदन और सदन के बाहर कांग्रेस के विश्वास के साथ, और मैं बिहार के लोगों के लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के 10 मनोनीत सदस्यों में एक महिला है, और वो भी छत्तीसगढ़ से, जहां चुनाव नहीं होना, राजस्थान में हो सकता है चुनाव। ये विश्वास को आत्मविश्वास में परिवर्तित करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यसभा में सोनिया जी और राहुल गांधी जी और देश के विचारों की आवाज बनेंगी, और कांग्रेस के संघर्ष के साथ साथ संगठन के लिए लगातार प्रयासरत रहे। वहीं वर्तमान सरकार पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर सिर्फ एक अंधविश्वास फैलाया गया और एक स्लोगन के नाम मात्र इस्तेमाल किया गया, जो धरातल पर कहीं भी नहीं दिखता है। मैडम रंजिता रंजन महिला की आवाज़ बनकर राज्यसभा में गरजती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि पूर्व में भी महिलाओं और महिलाओं के समस्याओं को लेकर के लोकसभा में आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई दी है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस के इस फैसले का आभार व्यक्त करती है, और पूर्व सांसद मैडम रंजिता रंजन से यह उम्मीद करती है कि पहले की भांति ही मिथिलांचल सीमांचल ही नहीं बल्कि देश में कहीं पर भी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ राज्यसभा में पहुंचकर आवाज़ उठाएंगे। इस अवसर पर जाप जिला के प्रधान महासचिव चुनमुन यादव, चंद्रकांत सिंह, दीपक झा, रोशन झा, काशिफ इकबाल, नफीस खान, मोहम्मद अरमान, सत्यम शिवम, तस्कीर अंसारी, मोहन और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना अपना मुँह